हमको दूध तो मैं तो मारा था, गाड़ी छोड़ के भाग गए। उसके बाद हमको गाड़ी ले जाके आगे जाके जगरपुरा के आगे जाके हमको छोड़ दिया। हमारे अपने नीतीश बाबू के पास में आए थे, हम लंदन के रहने वाले हैं। क्या बोलिए भाई, क्या कह रहे हैं? आखिर क्यों मारा गया? नहीं, अब हमको कोई जरूरत नहीं है, ऊपर वाला जानेगा। जदयू प्रदेश कार्यालय में लगने वाले जनता दरबार की पोल पूरी तरह से खुल गई। आज शुक्रवार है, शुक्रवार को बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जनता दरबार लगाकर तमाम फरियादियों की समस्याओं के समाधान का दावा करते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा फरियादी जो रोते रोते उनसे मुलाकात करने पहुंचा, लेकिन मुलाकात के बावजूद उसके आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है पटना के जदयू प्रदेश कार्यालय की, जहां रोते रोते एक व्यक्ति मंत्री को अपना चोट दिखा रहा और सीधे तौर पर ये कह रहा है कि जो रामकृष्णा नगर के थाना प्रभारी हैं, उन्होंने शराब पीने का आरोप लगाकर मेरी बुरी तरह से पिटाई की है। कपड़े उतार कर उस व्यक्ति ने मंत्री को अपने चोट के निशान दिखाए, लेकिन मंत्री जी की प्रतिक्रिया देखने लायक है। वो कुछ नहीं कहे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चुपचाप बैठो, किसी तरह का कोई समाधान या फिर कोई आश्वासन नहीं दिया है। वहीं जो ऑटो चालक हैं वो सीधे तौर पर बाहर निकलते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए सीधे आरोप लगा रहे हैं कि हम आए थे अपने नेता से मिलने, अपने मंत्री से मिलने, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ कह रहे हैं जो फरियादी है विनोद कुमार, जो ऑटो चालक है, वो क्या कुछ कह रहे हैं आप वो भी सुने। हमको दूध तो मैं तो मारा था, गाड़ी छोड़ के भाग गए। उसके बाद हमको गाड़ी ले जाके आगे जाके जगरपुरा के आगे जाके हमको छोड़ दिया कि तुम जाओ, मार के छोड़ दिया पूरा। यहाँ पर कहाँ है? हम आए हैं, हमारे अपने नीतीश बाबू के पास में आए थे, हम लंदन के रहने वाले हैं। हम आए अपने अपनी जुगाड़ में। मंत्री जी क्या बोले? मंत्री जी क्या बोले भाई, क्या कह रहे हैं मंत्री? आखिर क्यों मारा गया आपको? हमने गलत आदमी है वह के चलते हमको मारा गया। संतुष्ट है जदयू? हाँ, नहीं अब हमको कोई से जरूरत नहीं है, ऊपर वाला जानेगा, सुर्ख में जानेगा। कोई नहीं है, तेरे तेरे को माय बाप मारेगी। बात करेंगे, जानेंगे क्या था। ऑटो चालक ने सीधे तौर पर बताया कि मंत्री ने मेरी एक नहीं सुनी, मैं आया था अपने मंत्री से मुलाकात करने, रामकृष्णा नगर थाना प्रभारी ने मुझे बुरी तरह से पीटा, शराब पीने का आरोप लगाकर मुझे पीटा गया और उसके बाद आगे जाकर मुझे छोड़ दिया गया, लेकिन मंत्री जी किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दे रहे, मेरी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। मुलाकात के बावजूद उस व्यक्ति की आंख से आंसू नहीं निकल रहे हैं और इतनी बुरी तरीके से उस व्यक्ति को रामकृष्णा नगर थाना प्रभारी ने पीटा है कि उस व्यक्ति को चलने में भी काफ़ी कठिनाई हो रही। ये तस्वीरें जो हैं आपके स्क्रीन पर वो बयां कर रही हैं कि किस तकलीफ में वो फरियादी है। लेकिन जदयू के जनता दरबार में बैठने वाले मंत्री जो दावा करते हैं कि हम सभी की समस्याओं का समाधान करेंगे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप बैठे रहे और फरियादी चुपचाप आंखों में आंसू लिए जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंचा और उसी आंसू के साथ ही प्रदेश कार्यालय से बाहर भी निकल गया। समस्याओं का किसी तरह का कोई निराकरण नहीं हुआ। जो फरियादी पहुंचे उसने भी असंतुष्टि जताई कि यहाँ आना मेरा बेकार हो गया, कोई मेरा काम नहीं हुआ, मंत्री जी कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एसजी न्यूज़ के साथ और देखते रहें एसजी न्यूज़।